Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सितंबर के महीने में इस साल इतनी बारिश देखकर दिल्ली वाले भी हैरान हैं। बुधवार की सुबह हुई दिल्ली NCR में झपाझम बारिश के साथ हुई। भले ही मानसून को जाने में कुछ ही वक्त बचा हो, मगर उत्तर भारत के कई इलाकों में मानसून अब भी एक्टिव है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद के साथ साथ पूरे NCR और उत्तर प्रदेश में जमकर बादल बरस रहे हैं। IMD यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के जानकारों की माने तो आम तौर पर 17 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई होने लगती है, लेकिन इस बार इसके थोड़ा और लंबा खिंचने के संकेत हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए यहाँ येलो अलर्ट जारी किया है। इन सब के बीच आज सुबह से राजधानी समेत पूरे NCR में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। दिल्ली, नोएडा समेत कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश भी देखने को मिल रही है। हालांकि भारी बारिश के बाद कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम के साथ साथ जल भराव भी देखने को मिला, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इससे पहले मंगलवार की शाम भी दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हुई, इसके बाद सड़कें दरिया बन गईं। मंगलवार को भी देर रात तक ट्रैफिक जाम की वही स्थिति बनी रही। एक्सपर्ट्स की माने तो इन सब के पीछे ग्लोबल वार्मिंग वजह है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र की सतह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे वाष्प भी ज़्यादा बन रही है जो ऊपर जाकर बादलों का रूप ले लेती है। यही बादल कहीं भी कभी भी बिन मौसम बरस जाते हैं। मौसम विभाग की एक रिसर्च के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान लगातार बढ़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान से पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। यही हालत छत्तीसगढ़ की भी है। वहीं भारी बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहां भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है।